अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। सो आज हम विजिट कर रहे हैं दुबई की सबसे ज्यादा विजिट की जाने वाली प्लेस पर, यानी कि ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहां पर बहुत ही कम प्राइस में और आप जो है वो ढेर सारी कंट्रीज का अंडर वन रूफ विजिट कर सकते हैं। सो यहां पर हमारे पास है फैमिली पास, और इस फैमिली पास में आपको एक पेड पार्किंग टिकट मिलता है, साथ में 8 जो है वो एंट्री टिकट मिलते हैं, और एक जो है वो जो कार्निवल का कार्ड है उसमें 100 दिरहम का बैलेंस के साथ जो है वो कार्ड मिलता है। सो यहाँ पर अगर आपके पास टिकट नहीं है तो भी आपके पास यहाँ पर मशीन से टिकट लेने का ऑप्शन है, और अगर मशीन से नहीं लेना है सो इन पर्सन भी जो है वो आप टिकट खरीद सकते हैं। सो यहाँ पर हमारा टिकट स्कैन हो गया है, साथ साथ में बैग्स की जो चेकिंग है वो भी होती है। तो उसके बाद एंट्री करते ही लेफ्ट हैंड साइड पे एक काउंटर होता है जहाँ से इस तरीके का चाइल्ड बैंड जो है वो आपको मिलता है। इस पर बच्चे का नाम और फोन नंबर लिख करके आप पहना दो तो काफी सेफ्टी हो जाती है। सो यहाँ पर अभी फिलहाल जो है वो अंधेरा नहीं हुआ है ना, तो ज्यादा लाइट्स वगैरह बिल्कुल ऑन हुई नहीं है। स्टार्ट में ही काफी सारी शॉप्स वगैरह भी हैं, कुछ कपड़ों के, कुछ खाने पीने के। तो आज हमने जो है वो स्टार्ट किया था यमन से, और यमन में इंटर हुए हैं तो देखा कि इनके जो है वो स्पाइसेस वगैरह काफी मशहूर लग रहे हैं, क्योंकि इनके यहाँ पर स्पाइसेस के काफी सारे स्टॉल्स थे, और जो स्पाइसेस थे वो तो पहचान में भी नहीं आ रहे थे, इतने अलग अलग वैरायटी के थे। खैर हमारी इतनी नॉलेज नहीं है स्पाइसेस के मुतालिक। सो खैर स्पाइसेस वगैरह देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे पूरी लाइन से जो है वो आपको स्टॉल्स दिखेंगे, और बीच में जो है ना ये हनी के स्टॉल्स है। इतनी वैरायटी की हनी है कि आपका दिमाग नहीं काम करेगा कि क्या लें, लेकिन इनकी शॉप पर आप जाएंगे तो ये आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे कि बहुत सारी हनी जो है वो किसी डिजीजेस में भी यूज होती है। और उसके अलावा कुछ कुछ इस तरीके से हैंडमेड जो है वो चीजें थी यहाँ पर, और ये इस तरीके का इनका जो ट्रेडिशनल होता है स्टफ ज्वेलरी का और भी पहनने वाला, तो वो सब मिलेगा। और ये स्टेज था, और साथ साथ में यहाँ पर जो है ना फ्रेशली जो ऑयल है ना वो निकाला जा रहा था, तो जिस भी मतलब सीड्स का या किसी चीज का ऑयल था वो आगे कंटेनर में जो है वो आपको दिखेगा, साथ साथ में लेबल भी किया हुआ है कि कौन सा ऑयल है। तो आपको जो भी चाहिए आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। छोटी बड़ी शीशी है यहाँ पर सामने रखी हुई फिल की हुई, तो जितना भी बड़ा सैंपल आपको चाहिए आप यहाँ से खरीद सकते हैं। उसके बाद हम आ गए थे इजिप्ट में, तो इजिप्ट में ज्यादा कुछ नहीं था, बस स्टार्ट में ही इस तरीके से जो इजिप्शियन जो भी चीजें है ना मतलब ममीज के और पिरामिड्स की शेप के बहुत सारे जो है वो डेकोरेटिव आइटम्स थे, कटलरी के आइटम थे, कुछ हैंगिंग्स वगैरह, वॉल पेंटिंग्स वगैरह, तो ये सारी चीजें बस शॉप पर थी। बाकी नॉर्मल कपड़े हैं और दूसरी चीजें थी तो वो उतना कुछ खास नहीं था यहाँ पर। फिर सऊदी में आए तो सऊदी की जो सबसे खास चीज होती है वो है इनकी डेट्स। सो यहाँ पर हम स्टार्ट में ही जो है वो डेट्स वगैरह चेक कर रहे थे क्योंकि हमें लेनी भी थी, आगे अल्हम्दुलिल्लाह से रमजान भी आने वाला है तो डेट्स तो फिर लाजमी चाहिए रहेगी। और इसके अलावा यहाँ पर ऊद बखूर, परफ्यूम, ऑयल वगैरह ये सब मिलेगा। और इनकी सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगती है वो है इनकी अबाया के सेक्शंस। सो यहाँ पर अबाया जो है वो भर भर के मिलेगा। अबाया आपको यहाँ सऊदी में और यूएई पवेलियंस में जो है वो मिलेंगे, बट वैरायटीज ऑलमोस्ट सेम ही होगी, तो इस वजह से मैंने सऊदी पवेलियन का जरा सा डिटेल में विजिट करके शूट किया है। यूएई में गई थी बट मैंने वहां कुछ भी जो है वो शूट नहीं किया था। तो यहाँ पर अबाया की जो रेंज है वो ऑलमोस्ट 100 दिरहम से जो है स्टार्ट होती है, और ये जो वेलवेट की अबायाज है ये भाई मुझे 200 कह रहे थे, आगे एक सेम शॉप पर थी तो वहां पर 180 कह रहे थे, तो यहाँ पर बार्गेनिंग जो है ना वो काफी चलती है। और ये जो अबाया आप देख रहे हैं ना ये मुझे भाई 200 का कह रहे थे ये भी। सो जितनी अच्छी आपकी स्किल है बार्गेनिंग की उतने अच्छे प्राइस पे जो है वो आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। सो मेरा तो हर साल एक टारगेट होता है कि अबाया की शॉपिंग जो है वो मैं ग्लोबल विलेज से ही करती हूँ। वैसे तो दुबई में, यूएई में काफ़ी सारे जगह हैं जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे अबाया बहुत रिजनेबल मिलते हैं, बट चूंकि हम यहाँ पर विजिट करते ही रहते हैं तो इसीलिए मेरा ये होता है प्लान कि मैं यहीं से शॉपिंग करूँ। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर फ्रेशली जो है वो बटर प्रिपेयर हो रहा है, जो कि कैश्यू बटर है, आलमंड्स हैं, पिस्ताशियो है और पीनट बटर। और इस
अलंसार शॉप से जो है ना वो हम लोगों ने फाइनली जो है वो डेट्स जो है फाइनल कर ली हैं। ये मबरूम जो है ना टाइप, ये हम लोग यूजुअली प्रिफर करते हैं, तो हमें थोड़ी ना ड्राई टाइप की चाहिए होती है। तो इस भाई की शॉप पर जो है वो जैसी हमें चाहिए होती है ना वैसी हमें मिल गई, तो अराउंड 2 kg हमने ले लिया इनके पास से। और अब देखिए रात हो गई है, तो पूरा ग्लोबल विलेज जो है ना वो जगमगा गया है। कि हम लोग चाह रहे थे कि आगरा की जो राइड है ना वो करें, तो हमने पूछा तो पता चला कि 1 आवर की वेटिंग है और वेटिंग हमें वहीं बैठ करके करनी थी। तो फिर हमने प्लान ड्रॉप कर दिया कि इंशाल्लाह नेक्स्ट विजिट में हम जो है वो आगरा राइड जरूर करेंगे। तो यहाँ पर हम आ गए हैं इंडियन पवेलियन में, और इंडियन पवेलियन के साथ है इंडियन चाट बाजार। यहाँ पे पूरी इंडियन कुजीन आपको बहुत आसानी से जो है वो मिल जाएगी। सो इंडियन पवेलियन में आपको जो कश्मीरी वर्क और लखनवी वर्क की चीजें जो है वो बहुत ज्यादा मिलेगी। तो इस वर्क से बनी हुई हर पैटर्न की चीजें ओढ़ने पहनने की आपको मिल जाएगी, और साथ साथ में ये जो खुस्से होते हैं ना ये भी काफी मशहूर हैं, और साथ साथ में ये जो वेडिंग से रिलेटेड जो पोटलियां वगैरह होती है ना, चप्पलें हैं, ज्वेलरी है, ये सब बहुत आसानी से मिलता है। ये बड़ों के खुस्से 65 dirhams के थे और जो छोटों के थे ना तो 75। जहाँ पे बहुत ही रिजनेबल ज्वेलरीज मिल रही थी, 1 dirham, 2 dirham, 5 dirham और 10 dirhams के। सो यहाँ पर सारी ही प्राइस के साथ ही जो है वो उन लोगों ने रैक बनाया हुआ है, तो इजीली आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज जो है वो किस प्राइस में। और यहाँ पर अंदर सारी ज्वेलरीज जो है वो इस लाइन में वो सब 10 dirhams की है। लोअर रेंज के साथ साथ हाई रेंज के भी एडी के जो ज्वेलरी वगैरह होती है ना वो भी मिल जाएगी इजीली, और साथ साथ में जो इंडियन मटेरियल है स्टफ है वो भी बहुत इजीली मिल जाएगा। सो यहाँ पर ये सब जॉर्जेट में था, 70, 50, कोई 60 इस तरीके से रेंज में जो है वो आपको मिलेगा। पवेलियन फिनिश तो हम आ गए थे ईरान में, और ईरान में इस तरीके की जो कैलीग्राफिक पेंटिंग्स है ना वो काफी मशहूर हैं, और इस तरीके की जो डिजाइन वाली प्रिंट किए हुए जो यूटेंसिल्स वगैरह है ना ये भी काफी मशहूर है। ये ईरानी मतलब पैटर्न है इस तरीके के वासेस का, सुराहियों का, और जो प्लेट्स हैं, और ये सारी चीजें जो है वो एज अ डेकोरेशन पीसेस जो है वो यूज होती है, और काफी जो है वो कॉस्टली भी होती है ये सारी चीजें। और इसके अलावा जो ईरानी पर्शियन कारपेट है वो तो भाई मतलब टॉप लिस्ट पे होता है कारपेट की दुनिया में, तो ये भी आपको मिलेगा छोटे बड़े हर साइज में। और सबसे अच्छी चीज जो मैं हमेशा लेती हूँ यहाँ से वो होता है इनका सैफरन। इनका जो सैफरन की जो क्वालिटी है ना वो बहुत ही कमाल की होती है, तो अगर आप भी यहीं पर रहते हैं दुबई में तो जरूर से ईरान का जो सैफरन है ना वो ट्राई कीजिएगा। उसके अलावा ये एक पेंटिंग्स की शॉप थी जहाँ पर ये लेडी अभी फिलहाल जो है अपनी ये पेंटिंग कंप्लीट कर रही है, और ये सारी जो पेंटिंग्स है इस एक लेडी ने ही जो है वो बनाए हुए हैं, बट काफी टॉप क्लास की पेंटिंग्स है और इनकी प्राइस भी बहुत हाई है। आगे आपको दो पेंटिंग्स की प्राइस भी मैं बताऊंगी, आप जरूर से वॉच कीजिएगा। काफी सारे पवेलियंस हमने कवर किए, तो अब जो सबको भूख लग गई थी सो यहाँ पर हम अपना मैट वगैरह हमने डाल दिया है, और ये स्नैक्स वगैरह हम जो है वो ले करके आते हैं। वैसे तो ग्लोबल विलेज में खाने पीने की बिल्कुल भी कमी नहीं है, इतनी वैरायटी, इतनी कुजीन्स मिलती है कि आपको कुछ भी कैरी करने की जरूरत नहीं है। बट हमारे यहाँ जो है वो बच्चे और हम लोग इतना ज्यादा ये सभी चीजें प्रिफर नहीं करते हैं, इसलिए जो है वो हम अपना खुद से कैरी करते हैं। उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पर किड्स थिएटर में, जहाँ से बच्चों से रिलेटेड जो है वो शोज होते हैं। Sir, boss,
Brilliant! The pair worked! You're welcome, you're welcome! तो यहाँ पर जो है ना हम आ गए हैं अभी पाकिस्तान पवीलियन में और ये मेरा जो है हमेशा लास्ट विजिट होता है और मैं हमेशा विजिट करती ही हूँ क्योंकि इनका जो मटेरियल होता है ना मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर देखिए ये वेलवेट का मटेरियल है और प्राइसेस मैंने लिख दी है जिनकी भी मुझे पता चली और साथ साथ में ये नेट का है जिसके ऊपर मोतियों का और कटदाने का जो है वो काम किया हुआ है। इसके अलावा और जो स्पेशल चीज़ है पाकिस्तान की वो है लेदर के स्टफ़। तो लेदर के जैकेट्स हैं, लॉन्ग कोट्स हैं, शूज है और साथ साथ में बैग्स हैं, वॉलेट है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिल जाएगी आपको और अनस्टिच के साथ साथ आपको स्टिच मटेरियल भी मिलेगा जैसे कि बिन सईद के हो गए, कहीं पे आगा नूर के भी मैंने देखे हैं और कुछ अलग अलग ब्रांड्स के भी। सो अगर आपको मतलब स्टिच चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। और मटेरियल के साथ साथ यहाँ पर जो है वो दुपट्टे का स्टफ़ है और बॉटम के लिए स्टफ़ जो है वो भी ईजिली मिलेगा। मतलब यहाँ से आप पूरा एक थ्री पीस बना करके जो है वो चीजें परचेज कर सकते हैं। ये कौन सा मटेरियल, लॉन ही है ये? तो क्या इसके प्राइस क्या है? ये वाला आएगा 20 दिरहम मीटर। 20 दिरहम मीटर, ओके। सारे दुपट्टे 10 दिरहम शिफॉन में। ये है वो शॉप जहाँ से ये सारी चीजें अभी फिलहाल मैंने देखी हैं जो आपके सामने शेयर की है। और उसके अलावा थोड़ा आगे बढ़ी थी तो ये स्टफ भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, डिजाइन भी इसकी बड़ी प्यारी थी और इसमें 3 कलर्स जो थे ना वो यहाँ पर अवेलेबल थे। तो बस पाकिस्तान पवेलियन के बाद जो है वो हमारा बस यहाँ से एग्जिट का टाइम जो है ना वो होने लगा। इस बार हम लोगों ने जो कार्निवल है वो अटेंड नहीं किया, फ्लोटिंग मार्केट जो है वहाँ पर विजिट नहीं किया क्योंकि एक दिन में सारी चीज़ें पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होगी। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट विजिट में जो है वो हम वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। और आप लोगों को ये पूरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्या चीज़ अच्छी लगी वो भी बताइएगा। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।